हेलो नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और कब क्यों कैसे फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे में खास अंतर क्या है, इस बारे में आज आपसे जानकारी साझा करेंगे। बहुत से भारतीय लोगों को दोनों दिवसों में अंतर नहीं पता है। अधिकतर लोग यह समझते हैं कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में कोई खास अंतर नहीं होता है, और कुछ लोग तो इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, भ्रमित रहते हैं कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस। इसी तरह से 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं या गणतंत्र दिवस, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है, बहुत ज़्यादा भ्रमित रहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के बीच में कुछ मुख्य अंतर जो हैं उनको हम आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहला अंतर है मनाने की तारीखों का अंतर। हिंदुस्तान 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था, इसीलिए इस दिन को स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे के तौर पर हर साल मनाया जाता है। वहीं हिंदुस्तान की आज़ादी के लगभग तीसरे साल में 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, लेकिन यह जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू कब किया जाए तो लागू करने की तारीख 26 जनवरी 1950 रखी गई थी, और इसीलिए अब हम हर वर्ष तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को ही मनाते हैं। दूसरा अंतर, तिरंगा फहराने में अंतर। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे को नीचे से रस्सी के जरिए खींचकर फहराया जाता है, इसे ध्वजारोहण कहते हैं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा ऊपर ही बंधा रहता है और उसे फहराया जाता है, तब इसे झंडा फहराना कहते हैं। दोनों तरह की जो घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंस डे और गणतंत्र दिवस, दोनों घटनाओं को हमारे संविधान में अलग अलग तरीके से नाम दिया गया है। इंडिपेंडेंस डे पर जो झंडा फहराना होता है उसे ध्वजारोहण यानी फ्लैग होस्टिंग कहा गया है, जबकि गणतंत्र दिवस पर जो झंडा फहराया जाता है उसे झंडा फहराना यानी फ्लैग अनफर्लिंग कहा जाता है। तीसरा अंतर, नेतृत्व का अंतर। 15 अगस्त पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं। उस समय देश में संविधान नहीं था, देश का सारा नेतृत्व लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री के हाथों में थी, इसलिए 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन पहली बार ध्वजारोहण हमारे देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। तो तब से लेकर आज तक 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण हमारे देश के प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था, और संविधान के मुताबिक देश का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है, तो इसीलिए 26 जनवरी को जो झंडा फहराया जाता है वो प्रेसिडेंट फहराते हैं यानी हमारे देश के राष्ट्रपति फहराते हैं। चौथा अंतर, जगह का अंतर। 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन ध्वजारोहण प्रधानमंत्री लाल किले पर करते हैं यानी रेड फोर्ट पर करते हैं, जबकि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के दिन राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे जो हम सभी भारतीय को जानने चाहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने यार दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।